खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कल का दिन विराट कोहली के लिए थोड़ा खुशी और थोड़ा गम वाला रहा। जहां एक तरफ विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, वहीं दूसरी तरफ उनकी आरसीबी को एक और हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जहां गम इस बात का है कि आरसीबी को हार मिली, वहीं विराट के लिए खुशी इस बात की है कि उन्हें हराने वाले स्टार रहे हार्दिक पांड्या, जो उनके साथ विश्व कप में जाने वाले। जी हाँ, आरसीबी की टीम ने कल पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने मानो मैच का रुख सिर्फ एक ही ओवर में पलट कर रख दिया और एक ओवर में 22 रन बनाकर मुंबई को आसानी से 19वें ओवर में जीत दिला। इस मैच में बने कई दिलचस्प रिकॉर्ड्स, आइए डालते हैं उन पर एक नजर। बीती रात मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए मुकाबले में मुंबई ने आरसीबी को 5 विकेट से धूल चटा दी। इस मैच में आखिर की 12 गेंदों पर मुंबई को जीत के लिए 22 रन चाहिए थे, लेकिन पांड्या ने पवन नेगी के 19वें ओवर में ऐसी आतिशी पारी खेली कि एक ओवर में ही अपनी टीम को जीत दिला दी। मैच में मुंबई के लिए मलिंगा ने 4 विकेट चटकाए, लेकिन एबी डिविलियर्स ने उन पर छक्कों की ऐसी बरसात कर दी कि अब मलिंगा के खिलाफ सबसे अधिक 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम हो गया। इससे पहले 5 छक्कों के साथ हाशिम अमला और शेन वाटसन ने मलिंगा को परेशान किया था। आरसीबी ने कल अपनी पारी में 10 छक्के लगाए। इसके साथ ही मुंबई की टीम आईपीएल 2019 में सबसे ज्यादा 64 छक्के खाने वाली टीम बन गई है। इस लिस्ट में खुद दूसरे नंबर पर विराट की आरसीबी है, जिसमें अब तक इस सीजन में 51 छक्के खाए। कल रात आरसीबी के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले एबी डिविलियर्स ने एक कारनामा और कर दिया। उन्होंने आईपीएल क्रिकेट में 200 छक्के पूरे कर लिए हैं। अपने आईपीएल करियर का 200वां छक्का एबीडी ने हार्दिक पांड्या पर लगाया। अपने 4 ओवर के स्पेल में आरसीबी के बल्लेबाजों को परेशान करने वाले लसित मलिंगा ने अपने आईपीएल इतिहास का 6ठा मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीता। वो अब बतौर पेसर सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच जीतने वालों की लिस्ट में आशीष नेहरा के साथ दूसरे स्थान पर आ गए। वहीं इस लिस्ट में पहले स्थान पर अब भी 8 बार इस खिताब को जीतकर उमेश यादव शामिल है। ये तो बात रही कल के मुकाबले, लेकिन आज एक बार फिर से राजस्थान और पंजाब की टीमें भिड़ने वाली है। आपको याद होगा पिछली बार जब इन दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी तो अश्विन के मैनकेडिंग इंसिडेंट की वजह से इस मैच पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। आज एक बार फिर से यही मैच देखने को मिलेगा। क्रिकेट से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए wowcricket.com। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।